दोस्तों, बेशक आज भी हैचबैक गाड़ियों में यानी फाइव सीटर गाड़ियों में सेल सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप कहीं टूर पर जाते हैं और ख़ास तौर से आप या आपके फ्रेंड्स या आप जाते हो अपनी फैमिली सहित यानी विद फैमिली और हैचबैक गाड़ी हो फाइव सीटर की और आप हो जाते हैं 7 to 8, तो आपको एडजस्ट करना काफ़ी कठिन हो जाता है। और अगर आप एडजस्ट कर भी लेते हैं तो कंफर्ट तो नाम को उसमें रहता नहीं है, तो वो टूर आपके लिए आनंद की बजाय और परेशानी का कारण बन जाता है। तो क्यों ना ऐसी 7 सीटर गाड़ियों के बारे में जाना जाए जो बहुत ही बेस्ट हैं पावर, कंफर्ट और फीचर्स के लिहाज से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं आपके लिए ऑल न्यू अपग्रेड वर्जन में आने वाली और कुछ न्यूली लॉन्च होने वाली ऐसी गाड़ियां जो 7 सीटर सेगमेंट में आती हैं। तो मस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, एक बार फुल वीडियो देखिए और शेयर करिए अपने सभी उन रिलेटिव को जिनके लिए, बिग फैमिली के लिए 7 सीटर गाड़ी की आवश्यकता है, साथ ही पावरफुल गाड़ियाँ भी उन्हें चाहिए दोस्तों। और बिल्कुल अब इंडियन मार्केट में बड़ी फैमिली कारों की काफ़ी डिमांड हो रही है और इसीलिए स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स यानी कि SUV सेगमेंट में ज़बरदस्त उछाल आया है। आपने देखा होगा MG की हेक्टर लॉन्च होने के बाद या किया की सेल्टोस लॉन्च होने के बाद काफ़ी तगड़ा मार्केट में बूम आया उन गाड़ियों का। लोग सोच नहीं सकते थे कि एक इस तरह की गाड़ियाँ यहाँ पर बूम कर जाएंगी जो हाईफाई सेगमेंट में आती हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज में सबसे पहली गाड़ी है बिल्कुल नेचुरली महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जो बिल्कुल 100% इंडियन मेड है। और दूसरी बात यह कि पावरफुल गाड़ी है और अब इसका नेक्स्ट जनरेशन अपडेशन मॉडल आ रहा है और इस नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को लॉन्च कर दिया जाएगा महिंद्रा द्वारा 2021 के मिड तक, यानी अभी आपको अप्रॉक्स 4 to 5 मंथ वेट करना होगा अगर आप न्यू जनरेशन की XUV 500 लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। और इसी तरीके से स्कॉर्पियो का भी आपको वेट करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद में नेक्स्ट इसी सेगमेंट की गाड़ी है टाटा मोटर्स की हेक्सा। जी हाँ, हेक्सा के BF6 वर्जन को 2020 के ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था और इस SUV को कंपनी 2020 में लॉन्च करती, लेकिन महामारी के कारण लॉन्चिंग इसकी टाली गई और अब इसे 2021 में इसे लॉन्च किया जाना है। और अब बात करते हैं दोस्तों क्रेटा के बारे में। जी हाँ, क्रेटा हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो करंट में हुंडई के पास अवेलेबल है। अब क्रेटा का एक लेटेस्ट वर्जन आने वाला है। जी हाँ, हुंडई भी 7 सीटर का एक वर्जन लाने वाली है लेटेस्ट क्रेटा का, जो काफ़ी समय से जिसका कार प्रेमी इंतज़ार भी कर रहे थे। और इस SUV को भारत में टेस्टिंग के दौरान पहली बार दिसंबर 2020 में ही देखा गया था। और 3 पंक्ति वाली ये SUV होने वाली है और इसका डेब्यू होने वाला है शीघ्र ही भारत के अंदर। तो ये आपको मिल जाएगी क्रेटा भी 2021 के अंदर। और नेक्स्ट गाड़ी जिसकी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये आपकी है XUV 500, जिसका लॉन्चिंग होने वाला है 2021 में ही, यानी इसी में, इसी साल में इसका भी इंतज़ार होने वाला है बिल्कुल न्यू जनरेशन मॉडल के साथ। क्योंकि जो करंट में XUV 500 आती है वो अब मॉडल जो है काफ़ी पुराना लगने लगा है, आपने भी फील किया होगा, तो इसलिए अब इसका लेटेस्ट वर्जन कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाना है। और इसके बाद में आपकी नेक्स्ट गाड़ी है जो बिल्कुल लेटेस्ट है, आप जानते होंगे हैरियर का लेटेस्ट वर्जन आना था ग्रेविटास के नाम से, लेकिन टाटा मोटर्स द्वारा उसे रीनेम कर दिया गया, अब सफारी के नाम से ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है। और ये गाड़ी एक फ्लैग ऑफ समारोह में इसे पुणे स्थित प्लांट से लाइन से बाहर लाई गई, यानी कि अब इसका लॉन्चिंग हो चुका है और औपचारिक रूप से अभी लॉन्च होना बाकी है, यानी गाड़ी तैयार हो चुकी है, औपचारिक रूप से केवल लॉन्च होना इसका बाकी रह गया है। और टाटा मोटर्स ने बताया कि सफारी SUV के लिए बुकिंग भी जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। टाटा सफारी के अंदर अवार्ड विनिंग इम्पैक्ट 2.0 डिज़ाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, पहले से ग्रेविटास के नाम से लॉन्च किया जाना था। तो ये ऑल वो 5 SUV हैं जिनमें कुछ न्यूली लॉन्च होने वाली हैं और कुछ का लेटेस्ट वर्जन लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, इसमें से आप जो भी चाहें अपने लिए परचेज कर सकते हैं, या अगर आप सजेशन लेना चाहते हैं किन्हीं उन गाड़ियों के बारे में जो आप परचेज करना चाहते हैं बेस्ट इन 7 सीटर सेगमेंट में, तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अवश्य पूछिए। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टेक सेफ, सड़क पर रखिए सेफ्टी का ध्यान, क्योंकि सेफ्टी इज़ द फर्स्ट।